बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर गुजरा है अतीक अहमद का काफिला। बता दें साबरमती जेल में यूपी लाया जा रहा है अतीक अहमद। अतीक को माफिया डॉन अतीक अहमद के काफिले में आपको बता दें 25 गाड़ियां शामिल है। 80 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज। बता दें कोटा नाका टोल पर थोड़ी देर के लिए रुका था काफिला, वहीं थोड़ी देर में झांसी के लिए रवाना हुआ है। आपको जानकारी दे दे एमपी में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो देखिए बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद प्रयागराज लाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दे अभी तक साबरमती जेल में बंद था अतीक अहमद। अहमद को प्रयागराज पुलिस गुजरात से प्रयागराज ले जा रही है और इस समय जो है झांसी के टोल प्लाजा रक्षा टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं और यहां ये टोल प्लाजा से लगभग 9 बजे के आसपास ये उनका पुलिस का जो काफिला है अतीक अहमद के साथ वो काफिला यहां से गुजरेगा। ये टोल प्लाजा वही टोल प्लाजा है जहाँ से विकास दुबे को भी लाया गया था उज्जैन से और कानपुर के लिए ले जाया जा रहा था। इसी टोल प्लाजा से अतीक अहमद और पुलिस का जो काफिला है पूरा काफिला वो यहीं से गुजरने वाला है और कुछ ही देर में लगभग 9 बजे के आसपास ये पूरा काफिला यहां से गुजरेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो कि 8 से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पकड़कर और प्रयागराज के लिए ये पूरा काफिला रवाना होगा। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। वही काफिले में 25 गाड़ियां 80 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आपको जानकारी दे दे कि एमपी के शिवपुरी में भी यूपी झांसी की ओर बढ़ रहा है अतीक अहमद का काफिला। यूपी के लिए रवाना हो गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। तो आपको जानकारी दे दे लंबे समय से साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद बंद था लेकिन अब उत्तर प्रदेश में के प्रयागराज में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। और आपको जानकारी दे दे जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है तब से अतीक अहमद के तमाम जो गुर्गे हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। अजय ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अतीक अहमद को अब प्रयागराज लाया जा रहा है लेकिन वो भी हमने देखा जब अतीक अहमद को एक डर सता रहा था कि वो प्रयागराज नहीं जाना चाहता, फिलहाल काफिला जो है वो रवाना हो गया है, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सिमरन जी कि काफिला शिवपुरी से रवाना हो चुका है और कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगा क्योंकि लगातार गाड़ियों का काफिला लगातार तेजी से चल रहा है और शिवपुरी में 2 मिनट लघु शंका के लिए रोका गया था जिसमें अतीक अहमद को नीचे उतारा गया। उन्होंने मीडिया से कोई इसमें बातचीत नहीं करी है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल अजय। तो देखिए बस प्रयागराज पहुंच जाएंगे अतीक अहमद, ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा के देखिए अजय काफी इंतजाम भी किए गए हैं, 80 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और किस तरह की प्रशासन की मुस्तैदी अजय आप देख पा रहे हैं क्योंकि देखिए बड़े माफिया है अतीक अहमद और लगातार जिस तरह अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ तब से लगातार जो नकेल है वो कसी जा रही है और आज जब इतने बड़े माफिया को प्रयागराज लाया जा रहा है तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम, फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए।